तस्करों की गैंग पकड़ाई गई है जिन्होंने कई जगह वारदात की है, क्या मामला था पूरा? अभी बीते पखवाड़े में चाणक्यपुरी क्षेत्र में एक दो मकान हम सुने चौथे, उनमें चोरों ने घुसकर और चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। तो पुलिस अधीक्षक महोदय ने उसमें एक टीम का गठन किया था, जिसे जिसमें मैं था और मैं हमारे साथ सब इंस्पेक्टर राजेश यादव और कुछ टीम के मेंबर्स थे, जिन्होंने उसमें मेहनत करी और जो चोरों के भागने के संभावित रास्ते थे सभी जगह के CCTV फुटेजेस चेक किए। उसमें ये भी पाया गया कि यहाँ पे एक लोकल कबाड़ी है जिसके संपर्क में वो थे, वो लोकल कबाड़ी से भी हमें उसमें कुछ इनपुट मिला। उसके बाद हमने कुछ तकनीकी सहायता भी उसमें प्राप्त की। उसमें ऐसा मालूम पड़ा कि इनका ठिकाना भोपाल में रेलवे स्टेशन के आसपास कहीं है, कूटा मकबरा एरिया कहलाता है वो। तो हमने सादे कपड़ों में अपनी टीम को वहाँ पे तैनात किया उन पे नज़र रखने के लिए। तो करीब दो तीन दिन बाद टीम को इनपुट मिला, तो वहाँ से एक उमेश अहिरवार, एक किट्टू कुछ बंदिया, एक लक्ष्मण मालवी और एक संजय वाल्मीकि, ये चार लोग जो चोरी की वारदातों में शामिल थे उनको पकड़ा, उनसे पूछताछ की गई। तो उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने यहाँ पे चोरियाँ की हैं। और यहाँ के अलावा भोपाल, विदिशा, रायसेन, मतलब भोपाल और उसके आसपास के जितने ज़िले थे सीहोर के अलावा, सभी जगह उन्होंने चोरी की वारदातें की हैं। उनकी खास बात यह थी कि वो चोरी करने के पहले जिस घर में घुसते थे वहाँ पर चाय बना के पीते थे और उसके बाद चोरी की घटनाएँ करते थे। जहाँ जहाँ उन्होंने ये वारदातें की हैं सभी जगह उन्होंने इसी तरीके का इस्तेमाल किया है। तो उनसे चोरी में जो भी मशरूका गया था सभी माल हमने बरामद कर लिया है, कीमत लाखों में है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।